Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. If you are new to this channel, hello, my name is Shagun and you are watching Learn with Shagun. So here on my channel, you are going to get videos regarding chemistry, zoology and botany. And in this video, by the title, it is clear ki hum karne wale hain glucose fructose interconversion. So let's get started with the video. So sabse pehle hum karne wale hain glucose ko convert fructose mein, and glucose is a kind of aldose, right? Because it is having aldehyde group, and fructose is the isomeric ketone of this glucose. Glucose jo ki ek aldose hai, uska isomeric ketone hota hai fructose, right? Unka structural formula different hota hai, लेकिन उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का, वो आइडेंटिकल होता है. सो इन दिस प्रोसेस हमारे पास तीन मेजर स्टेप्स रहते हैं. आप उनके जो मेजर हेडिंग्स हैं उनको इस तरीके से लिख सकते हैं. नंबर वन, ओसाजोन फॉर्मेशन. ओसाजोन फॉर्मेशन का कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है कि कैसे ग्लूकोज के बीच में जो है वो फिनाइल हाइड्राजीन के एडिशन से ग्लूकोसा जोन मिलता है. तो इसका भी जो फर्स्ट स्टेप है प्रोसेस का, वो यही रहता है जिसमें हम ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज के बीच में फिनाइल हाइड्राजीन डालते हैं जिससे कि हमें ग्लूकोज का ओसा जोन मिल जाता है, विच इज ग्लूकोसा जोन. ओके, एक बार ग्लूकोसा जोन मिल गया, फिर उसका हाइड्रोलिसिस होता है सेकेंड स्टेप में. सेकेंड स्टेप इज हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लूकोसा जोन. और जो थर्ड स्टेप रहता है, जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं ग्लूकोसा जोन का, तो यू गेट ग्लूकोजोन इन रिजल्ट. और फिर वो जो आपको ग्लूकोजोन मिलता है उसका पार्शियल रिडक्शन करते हैं, रिजल्ट में आपको फ्रक्टोज मिल जाता है. सो दीज आर द बेसिक थ्री स्टेप्स जिनसे आप ग्लूकोज को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रक्टोज में. अब इसका रिएक्शन समरी हम देखेंगे और इसको डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि कैसे रहते हैं ये प्रोसेसेस. सो सी, इन स्टेप नंबर वन, जिसे कि हमने बोला था ओसाजोन फॉर्मेशन, यू सी यहाँ पे हमने ग्लूकोज ले रखा है. अब वन थिंग आई नीड टू टेल यू इज कि जो भी चेंजेस आएंगे वो सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड कार्बन के अक्रॉस ही आएंगे, उनके अराउंड ही आएंगे. जो आपके थर्ड से लेके सिक्स तक के कार्बन में जितना जो भी अरेंजमेंट है ग्लूकोज से लेके फ्रक्टोज तक, वो सेम ही रहेगा इस पूरे के पूरे प्रोसेस में. बिकॉज ऑल ऑफ अस नो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में जो है वो मेजर जो डिफरेंस होता है वो फर्स्ट टू कार्बन में ही होता है. ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन के ऊपर एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, और हमारे फ्रक्टोज में जो है वो सेकेंड कार्बन के ऊपर कीटोनिक ग्रुप होता है. इसलिए ये एल्डोज एंड दिस इज कीटोज, राइट? होते दोनों ही हेक्सोज हैं, ठीक है ना, बिकॉज सिक्स सिक्स कार्बन इन्वॉल्व. अब ग्लूकोज में क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप विच आई टोल्ड यू ओसाजोन फॉर्मेशन, फिनाइल हाइड्राजीन, एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन इज एडेड इनटू ग्लूकोज. जब आप एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन ऐड करते हैं ग्लूकोज में, आपको रिजल्ट में मिलता है ग्लूकोसाजोन. इसका पूरा का पूरा रिएक्शन विद मैकेनिज्म आपको इस चैप्टर में जो है वो पूछा ही जाता है. तो इट्स बेटर कि आप वो पढ़कर आए. इस वीडियो को देखने से पहले आप ओसाजोन फॉर्मेशन को अच्छे से समझ कर आए, उससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कैसे यहाँ पे इस ऑक्सीजन की जगह जो है यहाँ पे ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाता है, और जो सेकेंड कार्बन होता है उसमें एक हाइड्रोजन एटम और OH ग्रुप का एलिमिनेशन होता है, और ये चीज़ यहाँ पे अटैच हो जाती है. सो इस तरीके से ग्लूकोसा जोन का फॉर्मेशन होता है. उसके बाद ग्लूकोसा जोन जब हमारे पास आ जाता है, उसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है, विच इज़ द सेकेंड स्टेप ऑफ द प्रोसेस, दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लूकोसा जोन. हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लूकोसा जोन में जब भी यू सी जब ग्लूकोसा जोन का हाइड्रोलिसिस होता है, तो ये जो भी एंटिटी उसके साथ अटैच है, दिस एंटिटी गेट्स रिमूव्ड डबल बॉन्ड के साइड से. दिस एंटिटी गेट्स रिमूव्ड और हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट में इस एंटिटी की जगह ऑक्सीजन अटैच हो जाता है. वन मेजर थिंग टू नोट ओवर हेयर इज कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, राइट? तो इसलिए जब इसका हाइड्रोलिसिस हुआ तो यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप बना, राइट? फर्स्ट कार्बन के अक्रॉस. और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो था वो नहीं था, राइट? सेकेंड कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन डैश नहीं था, इसलिए जब इसका हाइड्रोलिसिस हुआ तो एक कीटोनिक ग्रुप की फॉर्मेशन हुई. इतनी बात क्लियर है? बाकी सारा का सारा नीचे का स्ट्रक्चर सेम रहने वाला है. दिस मॉलिक्यूल और दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज ग्लूकोजोन. ओके, नाउ ग्लूकोजोन का फॉर्मेशन हो गया है. हमने देखा था कि थर्ड स्टेप क्या होता है, पार्शियल रिडक्शन ऑफ दिस ग्लूकोजोन टू फॉर्म फ्रक्टोज. सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू ऐड जिंक एसिटिक एसिड. यहाँ पे जिंक एंड एसिटिक एसिड यहाँ पे ऐड किया जाएगा. ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि हमें चाहिए कि हमारा जो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है सिर्फ यही इसका ही रिडक्शन हो. और बेसिक केमिस्ट्री इतना सबको पता होना चाहिए कि एल्डिहाइडिक ग्रुप
ग्रुप या फिर कीटोनिक ग्रुप दोनों में से किसी का भी रिडक्शन हो तो रिजल्ट में अल्कोहल आता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाता है, राइट। इतना तो सबको पता होगा। पार्शियल रिडक्शन इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप ही चाहिए कि वो कन्वर्ट हो जाए हमारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप में, क्योंकि फ्रक्टोज का हमें कीटोनिक ग्रुप एज इट इज चाहिए था, सेकंड वाला उसको हमें रिड्यूस नहीं करना है। स्माइल रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से हम अपने फर्स्ट कार्बन के एल्डिहाइड ग्रुप को कन्वर्ट कर लेते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप में, और रिजल्ट में यू सी कि हमें स्ट्रक्चर मिलता है विच इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। सो हेंस हम ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं फ्रक्टोज में विद दीज सिंपल थ्री स्टेप्स। Now we are going to study the conversion of fructose into glucose कैसे होता है। फ्रक्टोज एक कीटोज है, राइट, उसको आइसोमेरिक एल्डोज मतलब ग्लूकोज में चेंज करना है। सो जब हमें फ्रक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है तो हमें चार स्टेप्स इस प्रोसेस में लगते हैं। तो सी इसमें फोर मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, एंड जो फर्स्ट स्टेप है विच इज रिडक्शन ऑफ फ्रक्टोज वो कैसे होता है। सबसे पहले यू हैव टू टेक फ्रक्टोज और उसका रिडक्शन आप करते हैं यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे कि आपने पहले किया था पुराने जब हमने ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट किया था तो उसमें आपने एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट लिया था। अब यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे क्योंकि कीटोन को अगर आपको कन्वर्ट करना है, रिड्यूस करना है अल्कोहल में, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लगता है। तो यहाँ पे फ्रक्टोज की जो कीटोनिक ग्रुप है सेकंड कार्बन वो आपने रिड्यूस करके हाइड्रोक्सी ग्रुप में कन्वर्ट किया, तो सेकंड कार्बन के अक्रॉस जब रिडक्शन होगी तो आपके पास जो मिक्सचर बनेगा वो सॉर्बिटोल। सो दिस इज द थिंग कि यहाँ पे आपके पास मिक्सचर है इसीलिए इसको हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं। यहाँ पे हम डायरेक्ट उसकी स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन जो है स्पेसिफिकली जो है वो नहीं दिखा रहे बिकॉज हमारे पास मिक्सचर है सॉर्बिटोल और मैनिटोल का यहाँ पर। नाउ द सेकेंड स्टेप इज ऑक्सीडेशन। फर्स्ट जो स्टेप था रिडक्शन ऑफ फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का रिडक्शन किया, आपको एक मिक्सचर मिला डायस्टेरोमेरिक फॉर्म्स का विच आर सॉर्बिटोल एंड मैनिटोल, राइट। अब आपके पास जो सॉर्बिटोल और मैनिटोल का मिक्सचर है उसका आप ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे यूज किया गया है नाइट्रिक एसिड HNO3। सो ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि जो फर्स्ट कार्बन है उसमें जो अल्कोहल, नाउ अल्कोहल का जो जनरल केमिस्ट्री में अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर तो वो किसमें डायरेक्ट कन्वर्जन हो जाता है उसका, कार्बोक्सिलिक एसिड में, राइट, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाता है जो कि नाइट्रिक एसिड है। सो दिस अल्कोहल ग्रुप दिस गॉट या हाइड्रोक्सी ग्रुप दिस गॉट कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेम रहने वाला है, राइट। उसके बाद जब आपने ऑक्सीडाइज कर दिया है तो आपके रिजल्ट आपको जो है वो रिजल्ट में मिलता है ग्लूकोनिक एसिड एंड मैनोइक एसिड का एक मिक्सचर। नाउ दिस इज ऑल्सो डायस्टेरोमेरिक मिक्सचर, तो दोनों फॉर्म्स प्रेजेंट होती है मिक्सचर में सोल्यूशन में, तो इसलिए इट्स अ मिक्सचर ऑफ ग्लूकोनिक एसिड एंड मैनोइक एसिड। नाउ ये जो मिक्सचर अब बना है सेकेंड स्टेप के रिजल्ट में इसको किया जाता है हीट। नाउ दिस मिक्सचर इज हीटेड इन द थर्ड स्टेप। अब हीट जब इसे किया जाता है तो यहाँ पे एक एस्टेरिफिकेशन का रिएक्शन चलता है। नाउ लेक्टोन्स बनते हैं। लेक्टोन क्या होते हैं? लेक्टोन्स आर साइक्लिक एस्टर्स बेसिकली। लेक्टोन्स एक तरीके के साइक्लिक एस्टर्स होते हैं। यहाँ पे जब आप इसे हीट करते हो एसिड को तो यहाँ पे एक इंटरमोलिकुलर रिएक्शन चलता है, तो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट जो कार्बन है दैट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन, वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड जब किसी भी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो एस्टेरिफिकेशन का रिएक्शन होता है, राइट, केमिस्ट्री में। सो इसमें क्या होगा कि जो आपका फर्स्ट कार्बन के ऊपर जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है वो फोर्थ कार्बन के अल्कोहल ग्रुप के साथ स्टेरिफिकेशन का रिएक्शन अंडरगो करेगा, जिसमें इसका OH और इसका जो हाइड्रोजन है वो वाटर के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएंगे H2O के फॉर्म में, और ये जो ऑक्सीजन है जो फोर्थ कार्बन का जो ऑक्सीजन है OH ग्रुप के फॉर्म में वो जो है वो एक साइक्लिक फॉर्म अटेन कर लेगा यहाँ पे इनके साथ, राइट। वो एक साइक्लिक फॉर्म में इनके साथ जो है वो एक लेक्टोन का फॉर्मेशन करेगा, एक साइक्लिक एस्टर का फॉर्मेशन करेगा, राइट। तो यहाँ पे COC, राइट, ऐसे ही होता है ना एस्टर। सो इस तरीके से यहाँ पे जो है वो एक साइक्लिक एस्टर विच इज लेक्टोन उसका फॉर्मेशन हुआ है। डाइस्टेरियोमेरिक लेक्टोन्स क्यों कहा गया? बिकॉज द सेकंड स्टीरियो सेंटर, ओके। नाउ एक बार ये लेक्टोन्स बन गए, दिस लेक्टोन मिक्सचर, इसका रिडक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सोडियम अमलगम।
तो इसका रिडक्शन, लेक्टोन का रिडक्शन करने के ऊपर विद द हेल्प ऑफ सोडियम अमलगम, दिस फर्स्ट कार्बन दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइडिक ग्रुप, ठीक है, मतलब एस्टेरिक ग्रुप से ये एल्डिहाइडिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है एंड फोर्थ कार्बन दोबारा से अटेन कर लेता है अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप, राइट। सो इस तरीके से आपके पास जो है वो ग्लूकोज एंड मैनोज का मिक्सचर आ जाता है। So this was it for glucose fructose interconversion. I hope you found something useful in this video and thanks for watching. Stay tuned for such videos on my channel.